हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अंसाल पेपर चल रहा था 347 बीजेड 2023 का। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को छठवें का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखिए। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को ये टॉपिक। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। पहला कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH11CH CH3VR। तो इसका आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम इसमें क्या लिखा जाता है, अगर कोई फंक्शन ग्रुप पहले आ रहा है तो वहाँ से नंबरिंग करते हैं, और नाम लिखने के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम क्या करते हैं, उसमें खोजते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फंक्शन ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो चलिए इसका पहले नंबरिंग करते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया कुछ अलग तरीके से, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको मैं अगेन दूसरा स्ट्रक्चर एक बना दे रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, और यहाँ पर H लगा हुआ है तो हमने लगा दिया H, और यह है CH3, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान देना, यही गड़बड़ करते हैं सब लोग। CH3 हो गया, इसी से लगा है BR, इसी कार्बन से CH3 भी लगाया है और BR भी लगा है, हाइड्रोजन भी लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले किधर से करेंगे, इधर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गिनती करेंगे, यहाँ से लंबा कार्बन तो यही मिलेगा 5 कार्बन का, तो यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से डबल बॉन्ड को ज़्यादा देते हैं। तो सब नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। नाम लिखने के लिए सबसे पहले नाम लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसमें BR है, 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 नंबर पे ब्रोमो है, और आप देख रहे हैं कितने कार्बन है 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और यहाँ पर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 इन। तो ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, 4 नंबर पे ब्रोमो लगा था तो 4 ब्रोमो लिख दिया, 5 कार्बन का श्रृंखला है तो 5 के लिए क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा था तो 2 इन लिख दिया, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। दूसरा कंपाउंड ये लिखा हुआ है, इसका आईपीएसी बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर, मतलब इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। ये जो CH3 ग्रुप है, इसी कार्बन से तीनों CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे तो लिख देंगे कुछ इस टाइप से, कार्बन CH3 CH3 CH3, और यह है CH2, उसके बाद है BR। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग इधर सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग यहाँ से होगा, 1 2 3, लंबी श्रृंखला कार्बन के 3 मिल रही है, और आप देख रहे हैं 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, जो अल्फा मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उसका नंबरिंग जब हम करते हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो बी पहले आ रहा तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, वन नंबर पे ब्रोमो 1 ब्रोमो, और 2 नंबर पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, CH3 के लिए लिखते हैं मिथिल, तो 2 पे 2 मिथिल है, 2 ग्रुप है, तो 2.2 डाई मिथिल मिथिल हो गया। कितना कार्बन का श्रृंखला है लंबा, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन, ये हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा दिया हुआ है CH3 CH2 CH2, और यहां पर CH लिखा हुआ है, और मैं इसको सही कर दे रहा हूं, इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसी से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3, चौथे नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पे लगा हुआ ब्रोमो, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ 4 नंबर पे पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा, और यहाँ पर 2 या आयोडीन जो जुड़ा हुआ है 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो आई फॉर आयोडीन आएगा तो इसको लास्ट में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 4 नंबर पे, इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 4। अब 4 नंबर पे पूरा लगा हुआ है,
इसका भी नंबरिंग करके नाम लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1, 2, दो नंबर है, दो कार्बन की लंबा श्रृंखला है, चाहे यहाँ से गिन सकते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं गिनेंगे, 3 की लंबी श्रृंखला, 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो हमने पहले लिख दिया 4 पे पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 4 में दो नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, तो यहाँ लिख देंगे 2-methyl, 2-methyl, और 2 पे मेथिल लगा, ये नंबरिंग बनाया तो सब्स्टिट्यूट हो गया, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए होगा, 3 के लिए मेथ है प्रोप, तो यहाँ पर प्रोपिल लिखेंगे, प्रोप नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, तो प्रोपिल लिखेंगे, प्रोपिल हो गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका काम पूरा हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ से तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ, आयोडो लगा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 आयोडो, इसका भी नंबरिंग हुआ, सब्स्टिट्यूट का पूरा हो गया। अब इसमें कार्बन की कितनी श्रृंखला, 7 के लिए क्या लगता है, हेप्ट लगता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेप्टेन, तो ये इसका IPC नेम हो जाएगा, काफी आसान था। यहाँ पर थोड़ी चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी नंबरिंग करते हैं, अगर इसमें कोई डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। चलिए इसका बनाते हैं, ये भी थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ गया, इसको मैं सही तरीके से लिख दे रहा हूँ। ये जो CH3 ग्रुप है, 2 CH3, ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने कार्बन लिखा CH3, ये 2 CH3 लगा दिया, इसी से BR जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लगा देंगे BR, इसी कार्बन से BR भी है और ये दोनों CH3 ग्रुप भी है। अगला कार्बन CH2 और CH3, इसका सबसे पहले हम लिखने के बाद सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग आप देख रहे हैं ब्रोमो यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ जो लंबी कार्बन की श्रृंखला मिल रही है वो कितने कार्बन की मिल रही है, यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की, तो यहाँ से गिनने के लिए 1, 2, 3, 4, और आप देख रहे हैं दो नंबर पर ब्रोमो लगा, ये नंबरिंग में नहीं है, और दो नंबर में मेथिल है, तो इसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो 2-मिथिल, 2-ब्रोमो 2-मिथिल, ये दोनों हो गया। और कार्बन का कितना लंबा श्रृंखला, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूटेन लिख देंगे, तो इसका IPC नेम हो जाएगा, काफी आसान था। यहां मैंने क्या किया, दो नंबर पे ब्रोमो लगा था, 2-ब्रोमो लिख दिया, और इसका नंबरिंग में ये भी मिथिल है, तो 2-मिथिल और ब्यूटेन, कितना कार्बन था, 4 के लिए क्या लग देगा, ब्यूटेन। चलिए लास्ट वाला बनाते हैं, ये भी थोड़ा अलग तरीके से लिखा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो CH3 का 3 ग्रुप है ना, इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तीनों CH3 ग्रुप इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और इसी का कार्बन पे HCl भी जुड़ा हुआ है, तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, आप देख रहे हैं 3 CH3 और 1 CL है, तो हमने लगा दिया CL। इसकी नंबरिंग करेंगे तो इस नंबरिंग कैसे कैसे करेंगे, हमेशा लंबा श्रृंखला वाला देखेंगे, तो 1, 2, 3 हो गया, और आप देख रहे हैं 2 नंबर पे मिथिल भी लगा, 2 नंबर पे क्लोरो, तो C4 क्लोरो आता है, M4 मिथिल आता है, तो पहले आगे लिखेंगे हम सी वाले का नाम, तो 2 क्लोरो 2 मिथिल, देख रहे हो ना, 2 नंबर पे क्लोरो भी लगा, 2 नंबर पे ये नंबरिंग नहीं किया गया तो मिथिल भी लगा है, और कितने कार्बन का श्रृंखला है, मतलब कितने लंबी कार्बन की श्रृंखला, 1, 2, 3 के लिए क्या होगा, प्रोप हो जाएगा, प्रोपेन यहाँ लिख देंगे, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आ जाता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।